दुकान से एक नेक रेस्ट मांगा मैंने, ये घर से सिल के तकिया लाया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, आप सभी का। आई होप सब अच्छे हों और मजे में हों। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो है राउंड 12 टीम के साथ। बहुत लोग कह रहे थे कि उनके साथ करो उनके साथ करो, तो फाइनली आज उनके साथ है और पूरी राउंड 12 की टीम जा रही है कश्मीर घूमने के लिए। जैसे कि हर साल हम न्यू ईयर पे कहीं ना कहीं जाते हैं, तो इस बार भी हम कहीं जा रहे हैं और वो है कश्मीर। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस ब्लॉग को, क्यों? क्योंकि आने वाले जो ब्लॉग हैं या ये वाला ब्लॉग है, तो सब में ही आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मेरी पैकिंग वैकिंग तो हो चुकी है, सबकी हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने फोन पे बात की थी उनसे। तो अभी अजान की आवाज आप देख रहे होंगे आ रही है और अभी फिलहाल पढ़ते हैं नमाज, नमाज के बाद चलते हैं। तो पहले नमाज पढ़ लें और आज जुम्मा भी है तो जल्दी से जल्दी नमाज पढ़ेंगे। जल्दी क्या, टाइम सी होगी। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को भी, राउंड 12 को भी। न्यू वीडियो आई है, नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ और देखो। तो नमाज हमने अदा कर ली है और बैग वैग पैक हो चुके हैं, बस थोड़ी सी चाय पीकर निकलना है घर से। दिखाते हैं आपको कश्मीर की वादियाँ। मेहता भाई कैसे हाल चाल है? हमारे हाल चाल अच्छे हैं, अच्छे हैं। आप बताओ कैसे? हम भी बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी ढंग से चलाना वरना वरना बहुत ही ज़्यादा ठोकूंगा, ध्यान रखना। नहीं, आराम से चलाना। इन्होंने ऐसे लेके हम तालिब, हाँ तालिब जाके मनाली से लेके ऐसे लेके यार बसीन भाई पंखे चल रहे हैं भाई, हलीम बढ़िया। तुम्हारा बैग कितना बड़ा? हलीम बढ़िया, हलीम बढ़िया है। पहले छोटा स्मॉल है। तुम्हारा बैग कितना बड़ा? मेरा बैग बहुत बड़ा, स्मॉल है, बहुत छोटा वाला है। जो 13 वाला है साइज था वो मेरा ही है। आप बताओ आप क्या कह रहे हो? बैग रखना चाहे कुछ भेजे, इंजन निकालो, इंजन निकाल दो, बैग रखो बहन जो पहले चले। मतलब हमें एक बैग के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी कि मुझे पहले रख देना चाहिए था बैग। यहाँ से ट्रक आ रहे हैं। अबे इन्होंने भी जान ले ली यार। तो गाइस अब हम चल दिए हैं कहाँ? कहाँ? कश्मीर। कहाँ? हिमाचल जा रहे हैं यार, बकरा खरीदना ना, बकरा ही जा रही है। अच्छा तो ये बकरा खरीदने उतर जाएगा, हम कश्मीर जा रहे हैं। तालिम कहाँ है भैया? इसका यही काम है, हर टूर पे ये पहले सबसे पहले टॉयलेट ढूंढता है कि भाई टॉयलेट बता दो हमें, टॉयलेट किधर है, और कुछ नहीं चाहिए इसे। चलो ठीक है गाइस, चल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं अपने मुरादाबाद शहर से, और जैसे जैसे स्टॉप लेंगे वैसे वैसे आपके साथ जुड़े रहेंगे और देखते रहिए ब्लॉग को, क्योंकि काफी मजा आने वाला है। मेहता तू भी तो गया था कश्मीर अभी, तो तेरा नंबर चल रहा था क्यों? सब फोन डब्बे। ओके, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ, मगर हमने इसका भी कुछ ढूंढ ही लेंगे हम जुगाड़। और हमारी गाड़ी आगे जा रही है, टी ब्रेक लिया है क्यों? क्योंकि पिछली वाली जो गाड़ी थी हमारी, उसके थोड़े से पेपर में कुछ मिस्टेक है, आरसी नहीं है उसकी, तो जब तक आरसी नहीं तो ट्रिप नहीं। तो गाज़ियाबाद में फ़ोन किया है जहाँ पर उसकी सर्विस होती है, तो वहाँ से पता चलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो पीछे को वापसी ऐसी लौट जाएंगे। या तू था तो फिर आरसी कहाँ चली गई? दो आरसी थी, एक कॉपी थी एक ओरिजिनल थी, दोनों गायब हो गई। दोनों उसी में रखी थी, देख रहे थे तो वो वहाँ के रुके हुए हैं, बुलाओ उन्हें फ़ोन करके। जाए और घर के पराठे नहीं खा रहे? नाइस कॉम्बिनेशन ले रुलागा और मॉडल है हमारा, मॉडल वेस्ट इंडीज का मॉडल कह सकते हैं। जाता हुआ इसका स्टार्ट हो गया। पूरे रास्ते भी यही करेगा, खाएगा टॉयलेट खाएगा।
मैं दिखाऊंगा आपको एक कितनी बार टॉयलेट जाएगा। साली मारियो ओके सही प्रेशर निकला। तू क्यों हंस रही है यार? ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हो जाती है, मगर तुझे इतनी क्यों होती है? तुझे दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये रहे, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया यार? वो आरसी ने मिल वो दे दे क्या पैसा? पैसा पेट खाली कर दिया, अभी सौंप के दवा दे। अगले रेस्टोरेंट पे रुकेंगे फिर पेट खाली करेंगे। यार इस बंदे का कुछ करो। चलते चलते कुछ देखा, हमारी गाड़ी की स्टेपनी जो है वो काफ़ी ढीली हो गई थी, तो उसी को टाइट कराने के लिए गाड़ी रोकी है। आलम भाई सही निकल रहा, सही निकल रहा ना? ये हमारी कॉपी करता है देखो, ये तो बात सही कह रहा है। एक बार टॉयलेट जा चुका है नाजिम। वे ओ बीच रोड में ये क्या ला बर्फ के गोले यही एक नेक रेस्ट मांगा मैंने, ये घर से सिल के तकिया लाया। तो गाइस चलते हैं आगे, काफी लंबा सफर है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अबे गाना बंद कर, कॉफी रेडी है। क्या पीने रुके हैं आप? जूस जूस। अच्छा तुम तो जूस बता रहे थे, जूस की जूस। स्पेलिंग बता। मैं तो जूस की स्पेलिंग क्या बताती है? आई एस ई। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट। हमारे ग्रुप में सबसे पढ़ा लिखा जो है ग्रेजुएट इंसान यही है। सूरत तो दिखाते हो। कुछ दूरी पर चलते हुए हमें मिल गया ये पता ना मैंगो जूस है या ये कौन सा जूस है? माल्टा ऑरेंज। तो ये मिल गया, हम ये पी रहे हैं। और वो लोग कहाँ गए कहाँ नहीं वो हमें नहीं पता। अगर आप भी करनाल वगैरह जा रहे हैं या अम्बाला जा रहे हैं तो आपको ऐसे स्टॉल लगे हुए ज़रूर मिलेंगे, तो आप भी ट्राई करना, हम भी ट्राई करना। हमें देखकर हमारी दूसरी गाड़ी भी रुक गई है। ये देखिए पियोगे? आओ पियो। वो लोग पी रहे हैं जूस और हम निकल गए आगे, तो उन्हें पीने दो, हमने तो पी लिया था, तो मज़े लेते हुए जा रहे हैं हम। ऐसी मज़े करते करते पहुंच जाएंगे कश्मीर, कश्मीर की वादियों में। क्या होगा मेहताब? तो गाइस अभी फिलहाल हम रुके हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज भी पढ़नी ज़रूरी है। तो फिलहाल गाइस नमाज वमाज पढ़ ली है, अब सोच रहे हैं कुछ खाने की और हो जाए क्योंकि भूख लग रही है। बहुत कितना टाइम हो गया? डेढ़ दो ही बज चुके हैं। तो अभी हम फिलहाल रुके हैं खाना खाने के लिए और सुबह से चल ही रहे हैं और ढाई बज चुके हैं, तो खाना बनता है। हमारा ये महंगा ब्लॉगर हमारा ये नहीं महंगा ब्लॉगर जो है इसको बड़ी दिक्कत हो रही है। जना क्या हो रहा है? कुछ भी हम तो देखो दोनों ब्लॉगर हैं, तो हम तो कर रहे हैं दोनों ब्लॉगिंग, और बाकी जो करना है वो करते रहे। खाने वाले हैं हाँ, तो हम तो कर रहे हैं भैया ब्लॉग। हमारा काम और धर्म यही है ब्लॉगिंग करना बस, और कुछ नहीं करना। खाना ना खाओ ठीक है? तो ये सब लोग बैठ गए हैं। दाल मखनी खाओगे? सालिम टॉयलेट पे पूछ लो पहले, टॉयलेट की तरह। खाना हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं आगे। लस्सी लस्सी है? मेरी छाछ आएगा। छाछ ये किस कोई पी रहा? मेरी चुप चाय है यार। यार ये तो बड़ा टेस्टी है। पंजाब की हरियाली के साथ साथ आपको कुछ और भी दिखाते हैं। खरगोश हिंदी में आ जाओ। दो हैं ये और ये है पंजाब की हरियाली। और इधर को कैमरा करूँगा तो किसी की पोल खुल जाएगी, तो इधर को रहने देता। तो गाइस खाना वगैरह हमने खा लिया है और पहली गाड़ी हमारी निकलने के लिए तैयार है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। और दूसरी गाड़ी में एक बंदा हमारा कम है जिस पर सारा चार्ज है पैसों वाला, वो बिल पे करने गया है, तो जैसे वो आएगा फिर हम निकलेंगे। और क्या बताएं खाना बहुत टेस्टी था, यहाँ तक खा लिया मैंने। जलंधर पार करने के बाद हम रुके हैं एक ढाबे पर, ढाबे का नाम है प्रीत। और प्लान ये हुआ है कि अभी हम जाएंगे अमृतसर, अमृतसर में रात करेंगे स्टे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चाय वगैरह पी ली है, अब सीधा रुकेंगे हम अमृतसर में।
होटल वोटल बुक करेंगे। अभी हम निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे अमृतसर में। हो सका तो रात को ही टेम्पल जाएंगे, वरना तो आंटी जी बाय बाय। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल ही करीब में। ये गोल्डन टेम्पल की दीवार है और उसके सटीक हमारी कार है। तो मेरी जो राय है वो यही है कि सुबह जाएं, क्योंकि काफी थक चुके हैं, हालत भी हो रही है बहुत बेकार। तो मेरी राय तो ये है और बाकी जो सबका निर्णय होगा वो माननीय होगा। हम पहुंच गए हैं अमृतसर के टेम्पल पर। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, टेम्पल बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये हमारी पूरी टीम खाना खाते हुए लंगर का, कई हज़ार लोग यहाँ पर रोजाना लंगर खाते हैं और नाजिम भी फुल। काफ़ी टेस्टी खाना है। आसिफ कैसा खाना, टेस्टी है ना? तो खाना खा लें फिर बात में बात करें। तो अभी थोड़ी सी सेवा हो जाए, खाना वाना खा लिया तो थोड़ी सी सेवा हो जाए। तो सेवा में हम छील रहे हैं मटर सभी लोग। तो गाइस मटर वटर हमने छील दिए, करीबन 4 से 5 किलो मटर छील दिए हमने 10 लोगों ने। यहाँ का फर्श बहुत ठंडा है, पानी एकदम बर्फ़ की तरह गला हुआ। ओह जल्दी चलो, पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। फर्श यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ऊपर से ठंड और ऊपर से ये ठंडा। तो हो गया ना मेहताब, हो गया मैं। यहाँ पे लोग इतनी सेवा करते हैं, लंगर यहाँ रोज़ाना लुटता है, हिसाब नहीं लगा सकते आप। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं होटल। सभी इसमें जाओगे? ठंडी तो ऊपर। अबे भैया इतने की चल जाएगी, चल जाएगी 8-10, एक ही इसमें आ गए।